रेगुलर स्टूडेंट, अभी क्लास हम लोग 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 समझाने जा रहे हैं। 12 तक हो गया हुआ है। क्वेश्चन 13 के अंदर में है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट जो है ना 75 मीटर जो है दे रखा है, इसका नाम हम ए बी दे लेते हैं, और दो शिप है सी और डी जो लाइट हाउस के साइड में ही है, जो एंगल ऑफ डिविएशन बनाता है, एंगल ऑफ डिविएशन है इसका जो है ना है, ये इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये आपका है 30 डिग्री का और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो हम इसको जो है ना, इसका जो निकालना है डिस्टेंस बिटवीन जो है ना टू शिप्स निकालना है, ठीक है, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालने की कितनी है, ठीक है। इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी बी लाइट हाउस एंड टू शिप्स बी एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम देखें, ये आपका 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, इसमें ए एक्स ना पैरेलल होता है बी डी के, हाँ, देयरफॉर हम ये लिखेंगे कि एंगल एक्स ए डी इक्वल टू होता है एंगल ए डी बी के, ये होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरह से एंगल एक्स ए सी इक्वल टू होता है एंगल ए सी बी, ये भी होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 45 डिग्री, दो ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल, ये दोनों में से कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, इसमें राइट ट्रायंगल पर काम होता है, ये राइट ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो ये हमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है तो पी बाय बी करेंगे, पी बाय बी होता है टैन का, तो टैन 45 लगाएंगे, टैन 45 की वैल्यू 1 और B आपका 75 दिया हुआ है और B हमारा क्या है BC है, तो therefore BC इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। इस तरह से आप दूसरा ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, पूरा ट्रायंगल, हम ये ट्रायंगल नहीं ले सकते, ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल लेना होता है, तो इसमें भी पी बाय बी टैन 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3, वैल्यू टेबल से देख लेंगे, ये 75 बाय b का नाम हमारा bc bd पूरा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है bd इक्वल टू 75 रूट 3, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, आगे हम देख रहे हैं इसका bd के अंदर में दो चीज है, एक तो BC प्लस CD है इक्वल टू है 75 रूट 3, और BC की वैल्यू हमने निकाला है 75 प्लस CD इक्वल टू है 75 रूट 3, तो CD इक्वल टू हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75 कॉमन निकाल लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा, तो हेंस लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इन 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये फाइनल आंसर, ठीक है। और जो समझ में नहीं आया तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी आप देख सकते हो या कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।